सुमिता दीक्षित और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। इस समय ना तो पाकिस्तान के राजनीतिक हालात सही हैं और ना ही आर्थिक स्थिति कंट्रोल में है, जिसकी वजह से सिर्फ देश की जनता ही परेशान नहीं है बल्कि राजनेताओं को भी रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावर भुट्टो जरदारी ने पीएम शहबाज शरीफ से एक भरी जनसभा में कहा कि कराची को शहबाज गति की जरूरत है। उन्होंने शहबाज शरीफ को पानी की सप्लाई में कमी की शिकायत करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान का विदेश मंत्री हूं, लेकिन मैं टैंकर से पानी खरीदता हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ये बयान सुनकर शहबाज शरीफ मुंह पर उंगलियां रखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन बिलावर भुट्टो की तरफ से आई इस शिकायत ने पीएम शहबाज शरीफ को ये सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया होगा कि आखिर देश का क्या हाल हो रहा है, जब देश के राजनेताओं को बेसिक चीजों की कमी को पूरा करने के लिए बाहर से मदद लेनी पड़ रही है तो बाकी आम जनता का क्या हाल होगा। इसी के साथ बिलावर भुट्टो ने एक और बात जोड़ते हुए कहा कि कराची के पोर्ट पर पानी के 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ 1 कंपोनेंट काम कर रहा है, वो भी 20 सालों से। दरअसल पाकिस्तान में अभी भी हालात सुधरे नहीं है। देश की सरकार लगातार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह की बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है IMF की बड़ी शर्तें, जिसको पूरा करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबर देखते रहे पंजाब केसरी .com।